उसको नाम क्या दोगे, थी अमर हमारी यादें क्या उन्हें भुला दोगे, बेवजह करोगे शिकवा दिल को फिर दुखा दोगे, रहने दो पुरानी बातें बात को बढ़ा दोगे, हम ऐसे ही रहे जीना सजा हो जैसे दिल टूट के गिरा है शीशा गिरा हो जैसे टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी। आपको शर्म नहीं आती मुझसे डबल गेम खेलते हुए? कौन सा डबल गेम आंटी? आई डोंट अंडरस्टैंड आप क्या कह रही हैं। आपने मुझसे झूठ बोला कि आप उससे दोस्ती करके उसे टफ टाइम देंगी। लेकिन आपने तो उल्टा कर दिया, उसे विक्टिम और मुझे क्रिमिनल बना दिया। सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। कौन सा विक्टिम और कौन सी क्रिमिनल? मैंने तो सिर्फ उसे आईना दिखाया था, लेकिन आपके बेटे ने तो जाके ज्यान को इंजर कर दिया। तो क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि उसके साथ दस दराजी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपकी बहू ने तो आपके बेटे से शादी करने के लिए करोड़ों रुपए लिए। और ये बात ज्यान को पता थी और उसने सिर्फ पूछ लिया, दैट्स ऑल। व्हाट डू यू मीन? शादी के लिए पैसे? या यकीन ना आए तो सलमान से पूछ लें। बल्कि यू नो व्हाट, आप अपनी मासूम विक्टिम बहू से क्यों नहीं पूछ लेती? अरे ना करे तो मनाऊ ना, अभी इनकार ही नहीं हुआ तो मनाऊ कैसे? का तो एक काम कीजिए, आप कॉल कर लीजिए, बल्कि एक दफा आप दोबारा उनके घर चली जाइए। अरे भाई उनके घर के चक्कर लगवा लगवा के हमारे जूते क्यों घसवाएगा खाम खा में? उनकी लड़की को राजी करना तू। दादो लड़की तो राजी है, लेकिन देख मेरे साथ झूठ ना बोल, सीधी बात बता मुझे। मैं माँ नहीं हूँ तेरी, दादी हूँ, साफ साफ बता के बात किया। दादो मुझे बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ तो ये बोलना कि हर सूरत में उससे शादी करनी है। मैं करवा दूँ। हाँ लेकिन ताई अम्मी ने तो साफ इनकार कर दिया ना। अरे नजमा के कहने से क्या होता है, मैं जुम्मे के दिन जाती हूँ ना शौकत के यहाँ, फिर देखती हूँ कि कैसे हाँ नहीं होती। आप दादो शौकत मामू के घर क्यों? अरे भाई नजमा के भाई भावज से बात करूंगी कि कासिम और निम्मी एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन नजमा नहीं मान रही, बल्कि सलीमा को भी फोन लगा। ऐसा शाम के ससुराल में भी पता चले ना कि कराची में हो क्या रहा है। हाँ लेकिन इससे दादी निम्मी की बदनामी हो जाएगी। निम्मी से शादी करनी है ना? जी। अरे तो होने दो बदनामी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि एहतशाम के कान में भी ये बात डाल दो। याद नहीं सितारा की बार शौकत कैसे नाक पे मक्खी नहीं बैठने दे रहा था और बाद में कैसे मिन्नते कर रहा था, अल्लाह माफ करे। लगा लगा सलीमा को फोन जरा। आप पक्का? लगा। अच्छा बच्चे को तंग किया हुआ है, मिल गया। हाँ भाई तो यानी कल रात को तो मेरी वजह से भूखी सोई थी। हाँ तो ओ भाई
खाना, ब्लैंकेट और ये सब क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या वजह है? क्योंकि एक गरीब ही दूसरे गरीब का दुख समझता है, क्या ये वजह काफी नहीं है? अच्छा, यानी तुम उस पर तरस खा रही हो? ओ हेलो, ज्यादा गैरत वैरत दिखाने की जरूरत नहीं मेरे सामने। मेरी जगह अगर तुम भी होते ना तो तुम भी यही करते। मैं भी? हाँ, और नहीं तो क्या? अब तुम मुझे खुद बताओ, अगर कभी किसी वजह से मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा तो क्या तुम इतने सारे अनजान लोगों में मुझे भूखा सर्दी में ठिठरता हुआ छोड़ोगे? नहीं ना। अच्छा, यानी तुम्हें इस बात पर यकीन है? बेबसी में यकीन ही तो हथियार होता है जो हर मजबूर इंसान के पास होना चाहिए। ये क्या है? तुम्हारी बुक्स हैं, तुम्हें कल सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है ना? तुम अपनी जिद को इतना निभाते हो, जो मोहब्बत ही हो जाती तो क्या करते तुम? क्या हुआ? अब मैंने क्या किया सितारा? थैंक यू। यू वेलकम।